लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कल्लर की रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा गिर गया है। ये घटना मंगलवार देर रात की हुई। जब अगर ये घटना दिन के समय में घटती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपको बता दें कि पहले भी इस पाठशाला की रिटेनिंग वॉल जून 2018 को भारी तूफान के कारण गिर गई थी। अब भारी बरसात के कारण बाकी रिटेनिंग वॉल भी गिर गई है। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय की चार दीवारी, विद्यालय के शौचालय तथा विद्यालय भवन में 4 लेन निर्माण की भारी मशीनरी, भारी वाहन तथा बलकार की आवाजाही के कारण कई जगह दरारें आ गई हैं और अब बरसात से ये नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधीश बिलासपुर को भी बता दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकाला गया है। इस कारण बाउंड्री वॉल, रिटेनिंग वॉल का बचा हुआ हिस्सा कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ी घटना हो सकती है। यहाँ चौकीदार पवन ने फोन पर जो है मुझे जो है ये सूचना दी कि आपके विद्यालय की जो है वो दीवार जो है गिर गई है, और जिससे जो है बहुत नुकसान हुआ हमारी चार दीवारी के टूटने से। जो है वो सारे पत्थर जो है वो मेन रोड पर आ गए और उससे जो है बच्चों को भी आने जाने में असुविधा हो रही है और गांव वालों को भी असुविधा हो रही है, और बाकी जो है सारी दीवारें जो है हमारी टूटती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण ये जो बड़े बड़े व्हीकल जो हैं, ये 4 लेन के जो बड़े बड़े जो बंकर हैं, ये यहाँ से गुजरते हैं, जिससे सारी जो है वो हमारी बिल्डिंग भी वाइब्रेशन करती है और दीवारें भी, जिससे चारों ओर जो है क्रैक आ चुके हैं, इसमें टूट चुकी हैं और धीरे धीरे सारी टूटती जा रही है। जैसे बारिशें हो रही हैं वैसे ये सब टूटती जा रही हैं। इससे मुझे जो है मुझे डर है कि कहीं बड़ा हादसा ना हो। इससे पहले जो हमने कई बार जो है DC को भी जो है लेटर लिखे हैं और उनसे जो है हमने ये प्रार्थना की थी कि हमारे विद्यालय की जो है चार दीवारी का जो ध्यान किया जाए और हमारी बिल्डिंग को भी सुरक्षित किया जाए, जिससे जो है हमारे विद्यालय की सुरक्षा भी बनी रहे और बच्चों की भी सुरक्षा बनी रहे।